लेडीज एंड जेंटमैन लेट्स मूव ऑन टू द मॉड्यूल 26 अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन इन द मॉडर्न एरा यहाँ से हम एक नए अंदाज से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे मैं थेरेटिकल बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं जाऊँगा या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं जाऊँगा लेकिन इतना समझाने की ज़रूरत है कि कैपिटलिज़म के अंदर या जो एडम स्मिथ साहब की थेरी थी कैपिटलिज़म जिसके अंदर सरमायादाराना निज़ाम था उसके तहत जो आंट्रप्रनोरियल डेवलपमेंट हो रही थी उसके अंदर से शमपीटर साहब का जो आंट्रप्रनोरियल जो आइडियोलॉजी uh, थी वो किस तरीके से खुल के सामने आई वो यहां पर इनफॉर्मल एसमेट्रिसिजम की बात करते हैं एफॉर्मल एसमेट्री की बात करते हैं इसको अपने जहन नशीन कर लें इनफॉर्मल एसमेट्री होती क्या है एसमेट्री मतलब आपकी इंफॉर्मेशन है मार्केट में या तो इंफॉर्मेशन ठीक आती है या इंफॉर्मेशन गलत आती है लेकिन आपकी जो सही हैं यानी आपके पास रिसोर्स आना है आपकी किसी चीज़ का रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल आपके पास तकरीबन तीन या चार किस्म के सप्लायर्स हैं मुमकिन है आपने उसकी डायमेंशन चेंज कर दी और आपने आठ नौ और सप्लायर्स उसके ढूंढ लिए और आपने मार्केट के अंदर आपने डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दी और उनका उनमें से भी बैक एंड से प्राइस उनका तोड़ दिया

वहां पे कहा गया कि मार्केट रेट तय करेगी वहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होगी वहां पे गवर्नमेंट के रेट प्राइस या प्राइस इंडेक्स या सी या सी जो है या कंपेटिटिव प्राइस ऑर्डिनेंस वगैरह जो है वो डेवलप करने की अहल नहीं होगी या मार्केट ख़ुद से ये तय करेगी कि फ़ला चीज़ की कीमत क्या होगी सो so यहाँ से जब ये आइडिया बनता है तो शम्पीटर साहब जो हैं वो एक आइडिया लेकर आते हैं वो इनफॉर्मल एसिमेट्री लेकर आते हैं वो कहते हैं कि उनके मुताबिक कि मार्केट को चेंज करने के लिए बाज़ात टेक्नोलॉजी इनोवेशन या रेंटल कमोडिटीज़ या रेंटल इनोवेशंस जो हैं वो भी आपकी चीज़ों को चेंज कर देते हैं और बाजुकात वो कहते हैं कि जो आई मीन ये किसिनो इकोनॉमीज की तरफ चले जाते हैं रेंटल इकोनॉमीज़ की तरफ चले जाते हैं इससे क्या होता है कि आपकी जो अच्छी खासी मार्केट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए मैंने एक कंसोर्शियम बनाया मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी मैंने आ, उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि मुझे फ़लाँ मेरा सप्लायर होगा फ़लाँ मेरा होल सेलर होगा फलाँ ये होगा फ्लाँ ये होगा लेकिन उसके अंदर से आप यूँ समझ लें कि वही चीज़ जो है मैंने एक बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई उससे रेलिवेंटली सारी जो है वो सप्लाई चेन डेवलप कर रखी और मैं उसी का कम्पीट बिड करता हूँ कंपटीशनल बेड करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता लेकिन जो अपने मिडल मैनस के साथ बात करता हूं और चार पांच फैक्ट्रीज़ को वो बांट देता हूं वही माल मैंने बिड किया मैं आ, फेस पे आ गया और कंपटीशन मैंने दे दिया लोअर बिड करके मैंने माल जल्दी पहुंचा दिया मार्केट में जो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो आदमी बैठे उसका प्राइस तो नीचे चला गया सो so, कैपिटलिज्म के अंदर जो बड़ी मामला आया वो ये इस मैटर का था कि डिस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट की जाती साहब ने इनफॉर्मल एसमेट्री कहा अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की तरफ जब वो लेकर आते हैं, so आपको समझ में आ गया आपने पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे होंगे और लोग तौर पर इसी तरह के बिजनेस कर रहे हैं। एक यानी उनका अपना प्लांट नहीं है अपना आइडिया नहीं है और अपनी यहाँ पर चमड़ा नहीं है अपना यहाँ पे प्लांट नहीं है वो क्या कर रहे हैं चाइना से उतना ही माल मंगवा लेते हैं या रशिया से या ता, ताइवान से या कहीं से भी मंगवाएंगे तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बचाने के लिए वो जब प्रोडक्ट यहाँ पर आएगी तो यहाँ के सब प्लांट बंद हो जाएंगे सो तो इसी तरीके से ये आइडिया जब आपको समझ में आता है तो मार्केट को इरेलीवेंट कर दिया जाता है दैट्स नॉट ब्लू ओशन स्ट्रेटी जिसके अंदर आपने कंपटीशन के अंदर इरेलीवेंट करने के लिए कंपटीशन मार्जिन देना होता है लेकिन यहां का आइडिया जरा डिफरेंट है उसके बाद ये कहते हैं कि इनोवेशन में स्टार्ट फ्रॉम यूजिंग न्यू नॉलेज और री एंड कंबाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज सो कंबाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज में अगर आप देखते हैं तो गौर कीजिएगा कि जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल दी मार्केट की अगर आप आ, आ, चमड़े की सनत देख लीजिए या लेदर शूज की मार्केट देख लीजिए आपको अचानक से समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से बदलाव और चेंज आया और अब जो है वो छोटे जो प्लेयर्स थे वो अब बड़े प्लेयर बन गए वो इस वजह से क्योंकि उनको प्लांट प्लांट का खर्चा नहीं देना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके पास नहीं है बाकी चीजें नहीं है उन्होंने ऑर्डर दिया चाइना से कंटेनर आ गए मार्केट में बेच दिया सो दिस इज हाउ दे रिड्यूस दिस्टम सिस्टमेशनल प्रोसेस क्या इसको इनोवेशन वो नहीं कहते शम पीटर साहब लेकिन इसको कहते हैं कि इनोवेटिव डिजाइन या प्रोसेस के अंदर चेंज जरूर लाते हैं थैंक यू वेरी मच